फालूदा गणेश जी की फेवरेट मिठाई है और लोग इसे प्रसाद के तौर पे बनाते हैं। अभी गणेश चतुर्थी आ चुकी है और गणपति बप्पा हमारे यहाँ पधार चुके हैं, तो मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही आसान तरीके से उकड़ीचे मोदक घर पे कैसे बनाएं इसकी रेसिपी लेके आई हूँ। ये हम दो तरीके से बनाएंगे, एक हम मोल्ड से बनाएंगे और एक हम इसको हाथों से बनाएंगे। तो फिर चलिए महाराष्ट्र का फेमस ट्रेडिशनल उकड़ीचे मोदक की रेसिपी शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें प्रीतिस केक एंड कुकिंग को और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरे सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ पर उकड़ीचे मोदक बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका आटा तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई में एक कप पानी ले लिया है। इस पानी के अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून एक छोटा वाला चम्मच भर के घी, और घी को हम पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ में इसमें हम लेंगे थोड़ा सा नमक, और इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और पानी में हमें उबाल आने देना है। जब तक कि पानी में एक अच्छा उबाल ना आ जाए तब तक हमें गैस की फ्लेम को हाई रखना है। तो यहाँ पर हमारे पानी में उबाल आ गए हैं, तो अभी गैस की फ्लेम को धीरा करके इसमें हम डाल देंगे 1 कप जितना चावल का आटा, और इसको अच्छे से हम फटाफट मिक्स करेंगे। लगभग 1 मिनट अच्छे से मिक्स करने के बाद में गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसको हम ढक्कन लगा के लगभग 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। तो अभी यहाँ पर हम दूसरी कढ़ाई में इसका मसाला तैयार करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में 2 छोटे वाले चम्मच जितना हमने घी ले लिया है। जब घी हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे लगभग 1 टेबल स्पून जितना खसखस, और इसको हमें अच्छे से भुनना है। खसखस का टेस्ट उकड़ीचे मोदक में बहुत ही बढ़िया आता है। तो अभी खसखस के साथ में हम इसमें डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर 2 छोटे वाले चम्मच मैंने लिया है काजू, 1 छोटा वाला चम्मच भर के मैंने लिया है बादाम, 1/2 छोटा वाला चम्मच मैंने लिया है पिस्ता, और 1/2 ही टेबल स्पून मैंने लिया है चारोली। और इन सभी ड्राई फ्रूट्स को हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। ड्राई फ्रूट्स को मैंने बारीक कट करके लिया है, आप देख सकते हैं, छोटे टुकड़ों में कट करके लें आप भी ड्राई फ्रूट्स को। तो अभी यहाँ पर हमारे ड्राई फ्रूट्स हल्के से रोस्ट हो जाने के बाद में इसमें हम डालेंगे फ्रेश नारियल। यहाँ पर फ्रेश नारियल को मैंने कद्दूकस करके रखा है, ये लगभग 1 कप जितना फ्रेश नारियल है। इस पूरे नारियल को हम इसमें डाल देंगे। आप यहाँ पर चाहे तो डेसिकेटेड कोकोनट या नारियल का बुरादा भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको भी हमें हल्का सा लगभग 1/2 मिनट के लिए रोस्ट करना है। वैसे तो उकड़ीचे मोदक के अंदर जो फीलिंग होती है उसके अंदर सिर्फ गुड़ और नारियल ही होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, उसके कारण इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप भी इस तरह से एक बार उकड़ीचे मोदक के अंदर का मसाला बना के देखें। तो अभी यहाँ पर नारियल हमारा अच्छे से रोस्ट हो जाने के बाद में इसमें हम डाल देंगे गुड़। तो गुड़ मैंने यहाँ पर लिया है लगभग 1/2 कप जितना। तो यहाँ पर मैंने वाइट गुड़ लिया है, आप चाहे तो देसी गुड़ भी ले सकते हैं, लेकिन इस तरह का सफ़ेद गुड़ लेने से इसका जो मसाला है वो बहुत ही अच्छा लगता है, वाइट बनता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा काला सा गुड़ लेंगे तो इसका मसाले का जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क आएगा। तो यहाँ पर हमें गैस की फ्लेम को लो करके गुड़ को हमें सारे मसालों में मिक्स करना है, और गुड़ को हमें तब तक इसमें मिक्स करते रहना है जब तक कि जो गुड़ है वो अच्छे से पिघल नहीं जाता है। बस गुड़ को पिघलते ही हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है, हमें इसे और ज़्यादा नहीं पकाना है। अगर हम इसे और ज़्यादा पकाएंगे तो जो गुड़ है वो चिक्की के फॉर्म में आ जाएगा, मतलब कि थोड़ा सा हमारा मसाला हार्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुड़ हमारा पिघल गया है। तो अभी यहाँ पर हम तुरंत ही गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, और यहाँ पर देखिए हमारा मसाला बनके बिल्कुल रेडी है।
तो गैस की फ्लेम को बंद करने के तुरंत बाद ही हमें इसमें ऐड करना है इलायची पाउडर। इलायची पाउडर को हमेशा आप लास्ट में ऐड करें ताकि इसकी खुशबू जो है वो और भी ज़्यादा एनहांस हो। तो यहाँ पर इलायची पाउडर डाल देने के बाद में इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मसाला हमारा तैयार हो गया है और एक तरफ हमारा आटा भी सेट हो गया है। तो अभी आटे को हम एक बड़ी परात में निकाल लेंगे और इसको अच्छे से हम हाथों की हेल्प से अच्छे से मसल मसल के इसका हमें आटा गूंदना है। चावल के आटे को आप हाथों से इस तरह से मसल मसल के गूंदेंगे तो आटा हमारा बहुत ही सॉफ्ट गूंदा जाएगा और आटे में से सभी क्रैक निकल जाएंगे। जितना आप आटे को मसल के गूंदेंगे उतना ही आपका आटा अच्छा तैयार होगा। तो यहाँ पर आप गूंदने के लिए हाथों में थोड़ा सा घी भी लगा सकते हैं, इससे आपका आटा बहुत ही अच्छे से गूंदा जाएगा और हाथों में चिपकेगा भी नहीं। तो यहाँ पर जब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट और क्रैक फ्री ना हो जाए तब तक हमें इसको गूंदते रहना है। तो यहाँ पर हमारा आटा बिल्कुल तैयार है। तो अभी हमने ले लिया है यहाँ पर प्लास्टिक का मोल्ड। ये मोल्ड आसानी से बाज़ार में मिल जाता है, तो इस मोल्ड को लेंगे और इसके दोनों साइड हमें घी लगा देना है अच्छे से। यहाँ पर मोल्ड को हम बंद करेंगे और इसके लॉक को हम पकड़ के रखेंगे ताकि ये खुल ना जाए। और यहाँ पर हम आटे को लेंगे और थोड़ा सा आटा लेके उसको हम इसके मोल्ड के अंदर डालेंगे और उसको दबाते हुए आटे को हम चारों तरफ मोल्ड के फैला लेंगे और बीच से हम खड्डा कर लेंगे ताकि उसके अंदर हम मसाला भर सकें। तो यहाँ पर अभी हम मसाले को लेंगे और बीच में डालते हुए इसको दबाते हुए अच्छे से हम मोल्ड के अंदर मसाला भर देंगे और ऊपर से थोड़ा सा आटा लेके इसको हम पैक कर देंगे और अच्छे से हम दबा देंगे। और देखिए मोल्ड को हम धीरे से खोलेंगे और आप देख सकते हैं हमारा मोदक बहुत ही आसानी से मोल्ड से बाहर आ गया है और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। ये एकदम अच्छे से हमारा मोदक बन गया है। तो इस तरह से हम बाकी सारे मोदक भी बना लेंगे। मोदक बनाने के एक तरफ हम रख देंगे थोड़ा सा गरम करने के लिए पानी, क्योंकि मोदक को हमें स्टीम करना है। आप यहाँ पर चाहे तो स्टीमर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इस तरह का बड़ा बर्तन ले रही हूँ, उसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है और उसके ऊपर हम रखेंगे एक जाली इस तरह से, और जाली को हम अच्छे से ऊपर से घी से ग्रीस कर लेंगे। और घी से ग्रीस करने के बाद में ढक्कन लगा के हम इसको छोड़ेंगे जब तक कि हमारा पानी अच्छे से गर्म ना हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हमने मोल्ड से जो है सारे मोदक बना लिए हैं। तो अभी मैं आपको हाथ से मोदक कैसे बनाएंगे वो दिखाती हूँ। तो हम एक छोटी लोई को लेंगे और इसको अच्छे से हम मसल मसल के चिकना कर लेंगे ताकि हमारे लोई के ऊपर कोई भी क्रैक ना रहे, और हाथों में हल्का सा घी लगाएंगे और लोई को दबाएंगे पहले अच्छे से। और देखिए एक तरफ लोई को हम हाथों में दबाते हुए पतला करेंगे और एक साइड हम अंगूठे और उंगली से इस तरह से दबाते हुए पतला करेंगे और इसको फैलाएंगे। अगर आपसे ये नहीं होता है तो आप इस तरह से लोई लेके बेल के भी आप इसको पतला कर सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए छोटे साइज़ की इस तरह से रोटी बन जाने के बाद में बीच में हम इसके स्टफिंग रखेंगे और देखिए इस तरह से हाथों की हेल्प से हमारी एक उंगली आगे रहेगी और दो एक उंगली और एक अंगूठा पीछे रहेगा और इसको इस तरह से दबाते हुए हम इसकी प्लेट्स बनाएंगे। हमें बाहर की तरफ इसको मोड़ना है, आप देख सकते हैं बहुत ही आसान है इसे बनाना। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बिल्कुल हाथ बैठ जाएगा। तो आप देख सकते हैं प्लेट्स बन जाने के बाद में ये बिल्कुल कटोरी शेप में आ जाता है और सभी प्लेट्स को ऊपर से जोड़ते हुए हम इसको ऊपर से ही फोल्ड करेंगे। इस तरह से इसको ऊपर से फोल्ड करते हुए मोदक का शेप दे देंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्के हाथों से करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा मोदक हाथ से बना हुआ तैयार है। थोड़े से इसके एजेस को शार्प करने के लिए हम स्पून से इस तरह से इसकी सभी प्लेट्स को वापस से थोड़ा फिनिशिंग दे देंगे। तो यहाँ पर हमारे हाथ से बना हुआ मोदक तैयार है और जो हमने मोल्ड से मोदक बनाया है उसके ऊपर के पार्ट को हम निकाल देंगे क्योंकि ऊपर के पार्ट में मसाला नहीं है, सिर्फ आटा ही है। तो उस पार्ट को निकाल के हम उसको फिर से इस तरह से मोदक का शेप दे देंगे। हम ऐसा इसीलिए करेंगे ताकि हम जब मोदक खाएँ तो आटे का टेस्ट ज़्यादा ना आए, पूरे मोदक में हमारे मसाले का टेस्ट आए। तो यहाँ पर सभी मोदक तैयार हो जाने के बाद में एक एक मोदक के ऊपर हम लगा देंगे केसर की स्ट्रैंड्स। इससे हमारा मोदक और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा और खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पर हमारा पानी भी बिल्कुल गर्म होके तैयार है और अभी हम इस जाली वाली प्लेट के ऊपर सभी मोदक को एक एक करके रख देंगे और मोदक को हम ढक्कन लगा के 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे हमें इनको स्टीम करना है। पंद्रह मिनट हो चुके हैं, अभी ढक्कन हटा के हम मोदक को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे मोदक बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे से स्टीम होके तैयार हैं और केसर ने भी अपना कलर छोड़ दिया है। और आप जब भी उकड़ीचे मोदक बनाएं तो उसे गरम गरम सर्व करने से पहले उसके ऊपर घी ज़रूर लगाएं, इससे उकड़ीचे मोदक बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगते हैं। तो आप सभी इस गणेश उत्सव के शुभ अवसर पर उकड़ीचे मोदक ज़रूर बनाएं। अगर आपके आसपास कहीं भी गणपति बप्पा पधारे हैं, आपके सोसाइटी में, आपके घर पे या फिर आपके नेबर के यहाँ पर, तो आप इन उकड़ीचे मोदक को बना के गणपति बप्पा को ज़रूर भोग लगाएं और फिर सभी इसका इंजॉय लें। उकड़ीचे मोदक खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो आप इस गणेश उत्सव इन मोदक को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को एक लाइक करें, इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरे सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और आपसे मेरा कोई भी वीडियो मिस ना हो। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। गणपति बप्पा मोरिया।